खुद मास्क पहनो, शील्ड यूज़ करो, बाकी दुनिया को बोलने का टाइम ख़त्म हो गया, हर एक को अभी अपनी जान बचानी है, सिंपल एज दैट, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो चुका है ख़त्म। अपना अपना रक्षण करो, जिसके किस्मत में होगा बचना वो बचेगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया, पुलिस ने बोल दिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया, एनजीओज ने समझा दिया, काउंसलर्स ने समझा दिया, सब हो गया है। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई गलती में गफलत में मरेगा, जो मरेगा वो जानबूझ के अपना डेढ़ शानापन दिखा के मरेगा। तो इसके लिए अभी किसी को समझाने की, काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें अपनी जान का जोखिम हो। फ़ोन पे करो, नो डाउट, बट बाहर निकलो घर से तो अपना पूरा फेस पैक करके निकलो, ताकि अपने को कोई रिस्क ना हो। और जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं WHO ने, डॉक्टर्स ने, उसको फॉलो करो बस, तो अपन सेफ रहेंगे। रेगुलरली गर्म पानी पिया करो, एंड ये निकल जाएगा फेज़। और 1-1.5 महीने के बाद जब भी ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खुलता है लोग पागल जैसे बाहर निकल रहे हैं, और 15 दिन के अंदर ही दिखाई देता है कि एकदम एक पीक आ जाता है, उसके बाद तो फ्लैटन आउट हो रहा है। सो दैट्स अ हिस्ट्री, मतलब दिख रहा है हमको, इटली में हुआ, बाकी सब कंट्रीज़ में हुआ, इंडिया में भी 110% होगा। कितना होगा पता नहीं, एक एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है कि करीब 16 लाख लोग एक झटके में इन्फेक्ट होने वाले हैं। अब ये स्टैट्स के हिसाब से किया हुआ एस्टिमेट है, सच है झूठ है पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा फिगर, बट जो भी है उससे क्या होगा कि एक ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, जब तक जान नहीं जाती बहुत लोगों की, तब तक वो डर नहीं बैठता। अभी लोगों को आदत पड़ गई कि ठीक है ना यार, हज़ारों में एक मर रहा है, वो मैं तो नहीं हूँ ना, मेरे रिश्ते में तो नहीं है ना, मेरा पड़ोसी तो नहीं है ना, तो एक एटीट्यूड आ गया है, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। जब वो घर के नज़दीक कोई होगा, घर के अंदर जब कुछ हो जाएगा, तभी ऑटोमेटिक सबकी आँख खुलेगी। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमने 75 दिन से लगातार काम करके बैंड बजवा ली अपनी, अभी बस हो गया, ठीक है ना। अभी अपना सिर्फ काम करो, जिसको खाना खिलाना है, जो भूखा है, इंसान हो जानवर हो, मदद करो उसकी, बाकी किसी को मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, हाथ धो, ये समझाने का टाइम ख़त्म हो गया। अभी अभी हर किसी को अक्ल आ चुकी है, जिसको करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। बस अपने ग्रुप के लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाहर निकलो, क्योंकि अब भीड़ 10 गुना बढ़ गई है, पहले जैसा नहीं है। तो अपना अपना जो सेफ्टी मोड है वो चालू रखो, जैसे विक्रांत भाई ने किया था, शील्ड वगैरह लगाई थी, वो सबसे सेफ़ है, कि गलती से भी कहीं से कुछ उड़ के अपने मुंह पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ अपने पे काफ़ी लोग डिपेंड है, काफ़ी जानवर डिपेंड है, तो हमको बीमार नहीं होना है बस। तो अपना ख्याल रखो, बाकी है ऊपर वाला देखने को संभालने को, जो होगा अच्छे के लिए होगा ना।